हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में अगर आपको वेज खाना खाना है और वेज नाश्ता लेना है या कुछ भी वेज खाना है, तो उसके लिए आप एकदम मंदिर के पास में ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही सुंदर सा द ग्रैंड वेज रेस्टोरेंट, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये जो है ये बिल्कुल आपके मंदिर के पास है। देखिए सामने जो है मंदिर का ऑफिस दिखाई दे रहा है और वो मंदिर का ऑफिस है और बैरिकेडिंग शुरू हो रही है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये है। तो ये डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है जिसमें कि आप जाके आराम से बैठ सकते हैं। हमने सुबह सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वाले दर्शन किए थे, उसके बाद हम मंदिर में बैठे रहे थे और करीब 7-7:30 बजे के करीब हम यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए थे और उसके बाद हम वहाँ पे बैठ गए थे और हमने वेट किया। हमने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया था इडली और हस्बैंड ने मंगाया था उपमा। तो बहुत ही, मतलब हमने इसके पहले एक दिन डिनर भी यहाँ किया था, तो बहुत ही टेस्टी खाना था। और ये रेस्टोरेंट इतनी अच्छी लोकेशन पे है कि आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। आप मंदिर दर्शन करिए, उसके बाद वहाँ से निकल के यहाँ पे जा सकते हैं। तो वैसे तो लोकल फूड ट्राई करिए, प्रसाद खाइए, लेकिन फिर भी आप तीन चार दिन अगर रहते हैं तो आपको नॉर्मल खाना भी चाहिए होता है, तो उसके लिए ये रेस्टोरेंट बेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हाइजीनिक है, पूरा नीट एंड क्लीन है और लोकेशन तो बहुत अच्छी है। यहाँ से पूरा मंदिर का दर्शन होता है। देखिए कितना सुंदर दर्शन। और सामान्य दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है। रात में तो हमको वेट भी करना पड़ा था, जब हम डिनर करने गए थे तो हमने वेट किया था। और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी जगह है। आप बाहर बैठिए, अंदर एसी में बैठिए या नॉर्मल सेक्शन में बैठिए। प्राइस वाइज भी बहुत महंगा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा महंगा है। मतलब इडली सांभर 75 का था और मेरे ख्याल से उपमा का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सस्ता नहीं है, ठीक प्राइस है। लेकिन लोकेशन अच्छी है, नीट एंड क्लीन है और सब कुछ बहुत अच्छे से देते हैं वो। और बहुत ही टेस्टी था, सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही टेस्टी था और कुछ भी ओवर नहीं था, जैसे कि एकदम माइल्ड टेस्ट था हर चीज़ का। ऑयल एक्स्ट्रा नहीं है, आपका सब कुछ एकदम बैलेंस्ड। और ये पतिदेव जी और मैंने नाश्ता कर लिया था और हम लोग वेट कर रहे थे, बच्चों को फ़ोन कर दिया था होटल में, हमारा होटल भी एकदम पास में था मंदिर के। तो विधि और अनन्य आ रहे हैं, देखिए सामने से दौड़ती हुई विधि चली आ रही है, क्योंकि ये लोग देर से उठते हैं और फिर इनके साथ नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर एक बार मंदिर जाते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया है, तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, खाना बहुत टेस्टी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो। और लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, देखिए एकदम मंदिर के पास है और दूर से ही दिख जाता है ये ग्रैंड, मतलब लिखा हुआ द ग्रैंड वेज रेस्टोरेंट। और विधि जी ने ऑर्डर किया था अपना आलू का पराठा और बेटे ने अपने टोस्ट बटर मंगाए थे। तो बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट था, मैंने सोचा कि ये एक इतना अच्छा रेस्टोरेंट है तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि अगर कभी कोई जाए तो उसकी हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने कुछ काम का बताया है, आपके लिए कुछ काम की चीज़ है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और ये बिल्कुल ऑफिस के सामने है। और जगन्नाथपुरी के मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, अभी भी बहुत सारे वीडियो बचे हुए हैं, उनको भी देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबा के लाइक ना भूलिएगा मत, लाइक करना तो बनता है, फीडबैक देना भी बनता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।